हेलो दोस्तों, मैं साहू, साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायंस स्टॉक के ऊपर। रिलायंस स्टॉक का फंडामेंटल समझेंगे और रिलायंस स्टॉक का हम चार्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसा रहेगा मोमेंट और आने वाला समय में इसको होल्डिंग करना है कि नहीं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो रिलायंस स्टॉक है, रिलायंस स्टॉक का हम पीछे का चाल, जिस भी स्टॉक को आपको पहले देखने से पहले हम उसका पीछे का चाल देखना है। पीछे का चाल यानी यहाँ से कैसे मूवमेंट किया है, अगर अच्छा मूवमेंट किया है यानी बुलिश ट्रेंड में है तो हम उसको बुलिश के हिसाब से लेंगे, और बेयरिश ट्रेंड में है तो उस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिलायंस स्टॉक में कैसा रहता है मूवमेंट। रिलायंस स्टॉक में हम देख पा रहे हैं अभी जो स्टॉक है 2528 प्राइस में क्लोजिंग दिया है। इसका मतलब आप जब भी कैंडल देखते हो पर पीछे का एक दो कैंडल आपको देखना है उससे ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं। तो पीछे का कैंडल है, आप चार तरीका जो कैंडल बना है तो वहाँ से 2500 के आसपास से ब्रेकआउट दिया दूसरा बार, और थर्ड बार ब्रेकआउट दे के वहाँ क्लोजिंग दिया है, यानी तीन बार ये ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट हाई ब्रेकआउट देते रहता है। तो ऊपर हमारा रेजिस्टेंस हम कहाँ पे लेते हैं, हम जब रेजिस्टेंस लेंगे यहाँ पर हमारा ये पिवट पॉइंट का लाइन है। पिवट पॉइंट एक इंडिकेटर है जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसका जो इंडिकेटर हमको ये साइन देता है इसका रेजिस्टेंस का है और सपोर्ट लेवल का है। सपोर्ट लेवल यहाँ पर देख पा रहे हैं, सपोर्ट लेवल हो गया 2400 से ऊपर, यानी 2430 के आसपास सपोर्ट लेवल हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस लेवल हो रहा है 2600। जब ये 2600 ब्रेकआउट करेगा तो आपको और एक ट्रेंड मिल जाएगा, दोबारा एक अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा ऊपर की तरफ। अगर आप इन्वेस्ट की तरफ और बढ़ें तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं तो आपको ध्यान देना है। अगर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं तो आपको लास्ट स्टॉप लॉस रहेगा 2400। अगर लॉन्ग टर्म व्यू में देखा जाए तो आपको स्टॉप लॉस हटा देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू में बहुत बड़ा ट्रेंड है, इसका 3000 तक जा सकता है आराम से। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम इसलिए बोलते हैं कि आप लॉन्ग टर्म बेसिक में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो अभी का जो प्रॉफिट, अभी जो प्राइस में अभी क्लोजिंग दिया है 2528 में क्लोजिंग दिया है, अगर आप यहीं आसपास में यानी 2500 के पास अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट, अगर लॉन्ग टर्म नहीं रखना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए 2600 या 2700 तक आप एक बार एग्जिट हो जाइए। कि 2600 पॉइंट के लिए एग्जिट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है यानी 2600 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ता है तो लास्ट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाता है 2700 का रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ये दो लेवल है, अगर शॉर्ट टर्म क्लियर लेना चाहेंगे तो 2700 आराम से टारगेट हिट हो सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस बने रहेगा तो 2400 लास्ट स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप अपना लॉस को उतना ही रेंज तक रखें। किंतु लॉन्ग टर्म व्यू में आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, अगर दूर से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, किंतु लॉन्ग टर्म व्यू के लिए मैं बोलता हूँ आप होल्डिंग करके रखिए और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। ये रिलायंस स्टॉक है, रिलायंस सबसे हैवी वेट स्टॉक है, तो रिलायंस स्टॉक में हम अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बात करना चाहता था आपका, जो स्टॉक के रिलायंस स्टॉक में होल्डिंग करना है कि नहीं। तो रिलायंस स्टॉक का मैं 3000 प्लस इसलिए चार्ट में देता हूँ कि ये आने वाला समय में भी उसका 3000 बन जाएगा, किंतु बट इसमें आपको होल्डिंग करके रखना है और टारगेट को आप अचीव करते जाना है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए रहता है तो आप आराम से इसमें होल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न से बता रहा है कि यहाँ से मूवमेंट आने वाला है। तो यही है इस वीडियो में, तो इस रिलायंस को आप लीजिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और होल्डिंग करके आप मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।